हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप भी 50,000 के रेंज में अगर एक गेमिंग लैपटॉप सर्च कर रहे हैं, तो वैसे तो 50,000 के रेंज में कोई भी गेमिंग लैपटॉप जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सके वो नहीं आ पाता है। बट स्टिल अगर आपका भी बजट 50,000 से ऊपर अलाउ नहीं कर रहा है, जो कि मेरा सेम केस अभी है, मुझे भी एक 50,000 के रेंज में एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए और उस पर मैं बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था कि मुझे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो मैंने अपने लिए कुछ लैपटॉप्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, तो आई जस्ट थॉट के ये सारी चीज़ें आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। अगर आप भी कंफ्यूज हैं 50,000 के रेंज में एक गेमिंग लैपटॉप लेने के लिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई एम वेरी श्योर कि आप अपने लिए एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट पे जो है वो सेल्स स्टार्ट होने वाली है, जो कि कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली 1 डे लेफ्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। सेल स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो 12 AM। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल से जो है वो सेल स्टार्ट हो जाएगी। इवन आज रात से ही सेल जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो सेल जैसे ही स्टार्ट होगी वहाँ पे हम लाइव आके आपको प्राइस यहाँ पे बता देंगे, बिकॉज आई हैव फ्लिपकार्ट प्लस एक्सेस, सो आई कैन एक्सेस बिफोर 24 आवर्स। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं सिलेक्टेड लैपटॉप की। तो यहाँ पे कार्ट में मेरे पास देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अप टू 10 लैपटॉप्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लैपटॉप्स के प्राइस हैं वो 50,000 to 60,000 के रेंज में है, और चूँकि यहाँ पे सेल्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो ऑफ़र्स वगैरह लगा कर जो है डिस्काउंट के साथ हम अप्रोक्सीमेटली 50,000 के रेंज में कोई ना कोई लैपटॉप ले पाएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं MSI का GF63 जो लैपटॉप है वो 59,000 का है। एक बार मैं आपको सारा रेंज दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं स्पेसिफिकेशन पे जाऊँगा। 60,000 का जो है एक लैपटॉप यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे एक 56,000 का भी है, और 54,000 का भी है यहाँ पे, और 51,000 का भी है, 59,000, 49,000 का इवन यहाँ पे है, i5 जेनरेशन का 10th जेनरेशन का, और यहाँ पे Acer Aspire 7 Core i5 12th जेन का जो है यहाँ पे भी लैपटॉप अवेलेबल है, जो कि 54,000, जो कि 55 आप कह सकते हो कि ओनली 55 में जो है 12 जेन के साथ Core i5 यहाँ पे मिल रहा है। तो उस सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे MSI की तरफ से भी यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स है जो कि अंडर 50,000 ही यहाँ पे आ रहा है अभी, और हो सकता है कि ऑफ़र पे और अच्छा डिस्काउंट देखने को यहाँ पे मिल जाए। Asus की तरफ से भी यहाँ पे एक गेमिंग लैपटॉप यहाँ पे ऐड किया हुआ है हमने, और MSI की तरफ से एक और गेमिंग लैपटॉप है यहाँ पे। तो फाइनली ये सारे गेमिंग लैपटॉप का हमने जो है वो कंपेयर किया है। तो कुछ गेमिंग लैपटॉप्स जो हमने कंपेयर किया है वो अराउंड जस्ट 50,000 के आसपास यहाँ पे 4 लैपटॉप्स हमने सिलेक्ट किए हैं। MSI का G63 जो कि i5 11th जनरेशन पे बेस्ड है, 8GB रैम और 512GB SSD के साथ विंडोज़ 11 होम के साथ आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे 4GB का ग्राफिक्स मेमोरी कार्ड आपको मिल जाएगा NVIDIA का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि और जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे आएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे दूसरा लैपटॉप है जो Acer Aspire की तरफ से है, Aspire 7, और इसमें भी i5 ही है और 10th जेनरेशन है इसमें, और 8GB मेमोरी कार्ड आपको सब में मिल जाएगा, रैम 512GB SSD यहाँ पे इसमें भी मिल जाएगा, विंडोज़ 10 होम का यहाँ पे सपोर्ट है, और 4GB ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे भी NVIDIA की तरफ से ही आ रहा है। और अगर नेक्स्ट लैपटॉप की अगर हम बात कर लेते हैं, MSI Bravo जो कि 15 मॉडल है, Ryzen 5 पे ये बेस्ड है हेक्सा कोर के साथ AMD, और यहाँ पे जो प्रोसेसर यहाँ पे है 5600H जो प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर माना जाता है गेमिंग के लिए, और यहाँ पे 8GB रैम यहाँ पे 512GB SSD के साथ ये भी आ रहा है, और विंडो 11 का सपोर्ट है यहाँ पे, 4GB ग्राफिक्स का मेमोरी कार्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, AMD Radeon RX 5500M के साथ आ रहा है। तो ग्राफिक्स गेमिंग के लिए भी ये अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देने वाला है। और अगर नेक्स्ट लैपटॉप की हम बात कर लें, तो लेनोवो आइडियापैड गेमिंग कोर i5 11th जेन, और 8GB रैम इसमें भी आपको मिल जाएगा, 512GB SSD और विंडो 11 होम,
और यहाँ पे 4 GB ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे इसमें भी एनवीडिया का यहाँ पे मिल जाएगा। वेट यहाँ पे सबका उसके सामने लिखा हुआ है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे MSI के बारे में, तो MSI में आपको 144 आवर्स का रिफ्रेश रेट यहाँ पे मिल जाएगा, और बाकी के बारे में यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो। अगर हम नेक्स्ट फीचर की यहाँ पे बात कर लें, तो सारे फीचर्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है ऊपर में। और ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप्स 15.6 इंच जो का है यहाँ पे आप देख सकते हो। 1 to 2 ईयर यहाँ पे वारंटी सब में है, 1 ईयर वारंटी इसमें भी है, 1 ईयर वारंटी यहाँ पे भी है 1 ईयर, और 2 ईयर वारंटी यहाँ पे आपको MSI G63 में मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन की यहाँ पे अगर बात कर लें, यहाँ पे कुछ खास डिफरेंट यहाँ पे है नहीं। HD 720 FPS 30 FPS का जो है वेब कैमरा है यहाँ पे, 720 ऑलमोस्ट सब में 720 है। पोर्ट्स के बारे में आप लिखा हुआ है, वो चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कोर i5 सभी में मिल जाएगा, और इसमें राइजन 5 का हेक्सा कोर मिल जाएगा, MSI ब्रावो 15 राइजन 5 में। RGB रैम सभी में आपको मिल जाएगा, और एक्सटेंडेबल यहाँ पे जो है वो बाकी में मेंशन नहीं है, एक्सेप्ट Acer Aspire में अप टू 32 GB आप रैम एक्सटेंड कर सकते हो। SSD कैपेसिटी की अगर बात करें हार्ड डिस्क की, तो यहाँ पे 512 GB SSD सब में मिल जाएगा। विंडो 11 होम का सपोर्ट आपको तीनों में मिल जाएगा, और विंडो 10 में आई थिंक यहाँ पे भी अपग्रेडेबल आपको ज़रूर मिल जाएगा। NVIDIA का यहाँ पे 3 में आपको मिल जाएगा, और AMD Radeon RX 5500M का जो है प्रोसेसर, जो का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, वो 4 GB का सब में मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी, आप ये एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कुछ लैपटॉप्स हमने इधर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे HP है, Acer है और Asus है, और MSI का लैपटॉप यहाँ पर भी है। तो अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लें, 4 GB का डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड इस सब में मिल जाएगा, NVIDIA इसमें भी है और सभी में NVIDIA का ही है। 15.6 इंच का लैपटॉप का स्क्रीन डिस्प्ले आपको सब में मिल जाएगा। विंडो 11 सभी में मिल रहा है एक्सेप्ट 2 में, विंडो 10 और विंडो 10 दो में मिल रहा है। SSD कैपेसिटी की बात करें तो 512 GB आपको सब में मिल रहा है, और सिर्फ MSI GF63 थिन एक्सा कोर i5 टेंथ जेन में आपको 1 TB जो है HDD मिलेगा, और 256 GB का SSD मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा स्टोरेज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 8 GB का रैम सब में मिल जाएगा DDR4। और स्लॉट की बात करें तो ASUS के अंदर आपको 2 स्लॉट मिल जाएगा, और अपग्रेड की बात करें तो यहाँ पे फिर से Acer के अंदर आपको अपग्रेडेबल ऑप्शन है, आई थिंक सब में होगा बट अपडेटेड नहीं है, तो एक बार आप अच्छा से क्रॉस चेक कर लेना है बाय करने से पहले। प्रोसेसर की बात करें यहाँ पे तो राइजन 5 हेक्सा कोर इसमें मिल जाएगा आपको HP में, और यहाँ पे Acer में राइजन 5 हेक्सा कोर सेम है। हेक्सा कोर i5 और कोर i5 जो है Asus और MSI के अंदर आपको मिल जाएगा। तो गाइस, किसी भी लैपटॉप को लेने से पहले एक बार उसका स्पेसिफिकेशन किस तरह से चेक करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं अपनी बात बताऊँ कि इसमें से किस लैपटॉप के साथ मैं अगर जाना चाहूँगा, तो अगर 50,000 के रेंज में अगर मैं जाना चाहूँगा तो MSI GF63 के साथ, या फिर MSI Bravo के साथ, इस दोनों लैपटॉप के साथ वी कैन गो अहेड। एंड अगर इसमें से इस सारे लैपटॉप्स का अगर प्राइस कम होता है, तो MSI GF63 के साथ भी अगर मैं जा सकता हूँ बिकॉज ऑफ स्टोरेज। यहाँ पे स्टोरेज आप देख सकते हो कि 1 TB का जो HDD यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, और 256 GB का SSD भी आपको मिल जाता है जो कि हाई स्पीड में सपोर्ट हो जाएगा। और अगर दूसरा ऑप्शन की यहाँ पे बात करें MSI के अलावा, तो ASUS TUF के साथ भी मैं जा सकता हूँ, इस वाले ASUS TUF के साथ। इसमें 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है यहाँ पे, तो रिफ्रेश रेट भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना अगर आप बाय कर रहे हो। तो एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरह से चेक करना है। MSI Bravo का मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको नीचे में आ जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे, और रीड मोड का ऑप्शन है यहाँ पे, आके आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। सबसे पहले चीज़ आपको प्रोसेसर तो देखना ही है,
और उसके बाद डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी कार्ड ये भी देख लेना है। SSD कैपेसिटी देख लेना है, 512 GB SSD मिनिमम, और रैम 8 GB ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप्स में अब आते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो आपको देखना है वो आपको देखना है नंबर ऑफ़ कोर्स। यहाँ पे मिनिमम जो है 6 कोर्स हो जब भी आप प्रेफर करना, अगर 50,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिनिमम 6 कोर ही आप प्रेफर करना। 4 कोर में आपको गेमिंग के लिए आई डोंट रिकमेंड। उसके अलावा सारी चीज़ नॉर्मल है यहाँ पे। और ट्राई करना कि 11th जनरेशन का लैपटॉप मिल जाए, और अगर 10th भी मिल जाए तो इट वुड बी बेटर। बट आई थिंक आई हैव सीन 12th जनरेशन लैपटॉप इन आवर लिस्ट लाइक यस गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसर स्पायर 7 जो है कोर i5 12th जेन, 8 GB रैम, 512 GB SSD और विंडो 11 के साथ 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड भी इनविडिया का है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये 12th जेन के साथ आ रहा है। वेट भी इसका कोई ज़्यादा नहीं है, 2.1 kg है। आप देख सकते हो कि इसका जो मेमोरी स्लॉट है यहाँ पे 2 दिया गया है, और रैम को आप 32 GB तक एक्सटेंड कर सकते हो। और नंबर ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वो 12 है। ओ माई गॉड, तो इसको हम लोग काफ़ी अच्छा से प्रेफर कर सकते हैं। इसको 54,000 में ये मुझे वर्थ इट लग रहा है। और 1 ईयर का जो है इंटरनेशनल ट्रेवलर्स वारंटी है और ऑन साइट वारंटी है, तो ये अच्छी बात है। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो MSI के साथ है, और अगर MSI के साथ मेरा नहीं बना तो फिर Acer Aspire 7 Core i5 12th जनरेशन वाले मॉडल के साथ मैं जा सकता हूँ। अभी मैं यही दोनों देख रहा हूँ, बाकी आज रात में लाइव आऊँगा तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है।